मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस की कमान थामे हुए अब काफी दिन हो गए हैं। 19 अक्टूबर 2022 को कांग्रेस में हुए अध्यक्ष पद के चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की थी और अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन सवाल उठ रहा है कि उन्होंने अभी तक अपनी टीम की घोषणा क्यों नहीं की है। पार्टी के अंदर और बाहर लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर अध्यक्ष बनने के बाद भी नई टीम का गठन क्यों नहीं हो पा रहा है। सूत्रों के हवाले से इस सवाल का जो जवाब सामने आया है उसे सुनकर आपको राहुल गांधी की एक हट एक शर्त का पता चलेगा। दरअसल नई टीम के गठन ना होने के पीछे राहुल गांधी की जिद बताई जा रही है। राहुल ने पार्टी नेताओं को बता दिया है कि उनका और ना ही उनके परिवार के किसी सदस्य का नई टीम के गठन में कोई हस्तक्षेप होगा। उन्होंने ये भी कहा कि गांधी परिवार से किसी को आउट ऑफ टर्न कोई बड़ा पद नहीं मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका को पार्टी में मल्लिकार्जुन खड़गे की टीम में नियुक्त करने का प्रस्ताव आया था, लेकिन राहुल ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि उनके परिवार से कोई भी मल्लिकार्जुन खड़गे की टीम में शामिल नहीं होगा। पार्टी के तमाम बड़े पद पार्टी के दूसरे नेताओं को दिए जाएंगे। गांधी परिवार के सभी सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ खड़े रहेंगे। पार्टी में अध्यक्ष का फैसला ही आखिरी माना जाएगा। पार्टी के आलाकमान अध्यक्ष ही रहेंगे।